बेटा इस टॉपिक के अंदर जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल हमने करना है उसके बारे में लिखें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अच्छा, अब जरा इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर मैं इसके आपको 3 to 4 क्वेश्चंस करवा दूंगा। सबसे पहली चीज बेटा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट बेटा जो है, जैसे लेट्स सपोज अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है वो ए टू बी इस पाथ से ट्रेवल करके गई है, तो ये जो टोटल पाथ ट्रेवल हुआ है उस टोटल ट्रेवल्ड पाथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या चीज है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड, जितना भी टोटल आपका फासला या डिस्टेंस है या पाथ है वो आपका डिस्टेंस होता है। सो टोटल पाथ ट्रेवल्ड। और ये वो होता है डिस्टेंस, या आप कह लो वो पाथ होता है जिसमें आप एक्चुअली में ट्रेवल करके गए हो। जिस पे भी आप ट्रेवल करके गए हो वो जितना भी है वो सारे का सारा वो आपका डिस्टेंस है। तो सबसे मेन चीज क्या होगी बेटा? डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? देखें, डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरह से बताते हैं, मैं दोनों को लिख देता हूं। पहले एक लिख लें आप, शॉर्टेस्ट पाथ, और इसका एक और भी लिख लें, दो तरह से इसको बोला जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ कह लें बिटवीन टू पॉइंट्स, और दूसरा नंबर पे आ जाएगा चेंज इन पोजीशन। पोजीशन के चेंज को भी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, या दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे भी हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनो गौर से, जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें अपने सॉल्व कैसे करना है। जो आपका टोटल ट्रेवल्ड पाथ होगा, मतलब जो पाथ टोटल ट्रेवल्ड किया इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, जितना भी सारा ट्रेवल हुआ है वो सारे का सारा तो क्या होगा बेटा? डिस्टेंस। बट इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आप क्या करेंगे? आपने हमेशा ये करना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है उसको आप कनेक्ट करेंगे किसके साथ? स्ट्रेट लाइन के साथ। जब आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो बेटा जो इस लाइन की लेंथ होगी उस लाइन की लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। कॉमन सेंस से सोचें बेटा, इनिशियल पोजीशन आपकी क्या थी? ए। फाइनल पोजीशन बेटा कौन सी है? बी। और दोनों पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ, बेटा याद रखें दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो बेटा याद रखें, आपने हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को किससे कनेक्ट करना है? एक स्ट्रेट लाइन से। जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वो आपके पाथ का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से लिख रहा हूं, और जो डिस्टेंस है उसका सिंबल मैं क्या यूज करूंगा? एस। तो डिस्प्लेसमेंट डी और डिस्टेंस एस। अच्छा मुझे बताइए, जो पिंक कलर वाला है ये क्या चीज है? ये वाला, ये पाथ क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस है। और जो नीचे वाला ब्लू कलर वाला, ये वाला पाथ कौन सा? ये है डिस्प्लेसमेंट है। वेरी गुड। अच्छा, इन दोनों में से वेक्टर कौन है? तो आप देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब ये इनिशियल से हमेशा फाइनल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और जो डिस्टेंस है बेटा इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। इसके यूनिट्स भी बेटा क्या है? मीटर्स। इसके भी यूनिट क्या है? मीटर्स। मतलब ये दोनों के यूनिट सेम है, दोनों के यूनिट मीटर्स हैं, तो दोनों मीटर्स में मेजर करेंगे आप। तो अब तक की देखिए बात कौन सी, जरा सुन ले इस बात को। देखें बेटा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में दो लाइंस मैंने क्या लिखवाई है? डिस्प्लेसमेंट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, या फिर हम क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट बेटा कौन सी क्वांटिटी है? वैक्टर। डायरेक्शन कहां से कहां होती है? फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। और इसके यूनिट्स क्या है? मीटर। डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? टोटल पाथ ट्रेवल्ड। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसके भी यूनिट्स क्या है? मीटर है। अब एक और चीज कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस के बारे में लिखें, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव।
डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये पॉजिटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव ये हो सकता है, लेकिन याद रखें डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव साइन में आप नहीं बता सकते। आप चाहे राइट साइड पे जाएं, लेफ्ट साइड पे जाएं, आगे जाएं, बैकवर्ड जाएं, जितना भी आप ट्रेवल करेंगे आप बस उसको ऐड ही करते जाओगे, कभी भी आप उसको माइनस नहीं करोगे, डिस्टेंस हमेशा बस ऐड होता जाता है, चाहे आपकी डायरेक्शन कोई भी हो, क्योंकि डायरेक्शन इसमें इररेलीवेंट है बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाओगे आप सिर्फ उसको क्या करते जाओगे ऐड, तो आपको अपनी जर्नी का मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में याद रखें, इट कैन बी नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकता एंड इट कैन बी पॉजिटिव। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो या तो जीरो होगा या क्या होगा, पॉजिटिव वो क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा अगली बात, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? देखें अगर कोई बॉडी राइट साइड पे जा रही है लेट्स सपोज, और राइट वाली डायरेक्शन को मान लो आपने पॉजिटिव सपोज किया हुआ है, तो जब कोई बॉडी राइट साइड पे ट्रेवल करेगी तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही वो बॉडी लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अब डिस्प्लेसमेंट का साइन प्लस ही रहेगा या माइनस में आ जाएगा? माइनस में। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस। अगर मान लो जाते हुए डिस्प्लेसमेंट था प्लस 5 मीटर, तो वापसी पर डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगा? माइनस 5 मीटर। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव साइन का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। तो अगर राइट साइड पे आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आपने कंसीडर किया था, तो लेफ्ट साइड पे जब बॉडी ट्रेवल करेगी तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट माइनस साइन में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ बॉडी की क्या हो गई है? ऑपोजिट। ये सारे पॉइंट्स जरा रिवाइज कर लें। अब मैं आगे 4 to 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। नंबर 1 पॉइंट बेटा दोबारा सुन लें इसको, शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और नाम क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। कैसे फाइंड किया जाता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को किससे कनेक्ट किया जाता है? स्ट्रेट लाइन से। अगर आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो बेटा आपके क्या होगी? वो डिस्प्लेसमेंट होगी। और जो टोटल पूरा ट्रेवल किया वो आपका क्या होगा? डिस्टेंस हो। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अच्छा अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि एक और चीज यहां पे चीज लिख लें। अगर एक बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ए टू बी जाती है, और उसकी मोशन किस में हो रही बेटा? स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन के टाइम पे जितनी वैल्यू डिस्टेंस की होगी, शाबाश, उतनी वैल्यू किसकी होगी? डिस्प्लेसमेंट की। दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम कब होती है? जब बॉडी कैसी मोशन कर रही होती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है, एक ही डायरेक्शन में। तो बेटा ये तो आपके पास हो गई। अच्छा लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई पाथ हो, जैसे ये मान लो ज़िगज़ैग ऐसे, और ये ए पॉइंट है, बॉडी इस पाथ से होकर बी पॉइंट पे गई, तो ये ज़िगज़ैग पाथ तो आपका डिस्टेंस है। लेकिन बेटा मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, और ये बेटा आपके पाथ का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। बेटा मुझे बताएं इस वाले केस में ज्यादा लॉन्गर लेंथ किसकी है? डिस्टेंस की, और शॉर्टर किसकी है? इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइन स्ट्रेट ना हो, कोई और पाथ हो स्ट्रेट लाइन के अलावा, उस केस में हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? डिस्प्लेसमेंट में। तो याद रखें डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अब जरा मुझे एक चीज बताएं बेटा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? बॉडी की मोशन कैसी हो रही है? स्ट्रेट लाइन में। बट अगर लाइन कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई पाथ है, तो फिर हमेशा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट के या फिर क्या हो सकता है? इक्वल। लेकिन डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता? डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट।
मैं दोबारा फिर से बता दूं, एस का मतलब मैं क्या ले रहा हूं, डिस्टेंस, और डी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन मेरा ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में से, इन दोनों की रेशियो ले लें अगर आप, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बेटा मुझे बतानी है आपने, क्या ये ग्रेटर देन वन होगी, क्या ये इक्वल टू वन होती है, क्या ये ग्रेटर और इक्वल टू वन होगी, क्या ये लेस देन और इक्वल टू वन होगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा जो हमेशा आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है। अच्छा मुझे बताएं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है वो ग्रेटर देन वन कब आएगी। अभी मैंने आपके सामने एक चीज लिखी थी, जरा देखें ऊपर मैंने क्या लिखा था आपके पास, मैंने लिखा था डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर वो क्या होगा, इक्वल। ये साइन बेटा किस चीज का होता है, ग्रेटर देन और इक्वल। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब मुझे बताएं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो ग्रेटर देन वन कब आएगी, जब मोशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में या कर्व लाइन में, कर्व लाइन में। अब मुझे बताएं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो वन के इक्वल कब होगी, जब मोशन कौन सी होगी। देखें रेशियो वन के बराबर तभी आएगी ना जब जितनी वैल्यू डिस्टेंस की होगी उतनी वैल्यू किसकी होगी। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो रेशियो का आंसर किसके इक्वल आएगा, वन के। तो ये इक्वल कब होते हैं, जब मोशन कैसी होती है, किस लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में। बट अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व लाइन हो, तो फिर डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट की कम होगी। तो जब न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो तो आंसर वन से ज्यादा बड़ा आता है, तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन चूंकि अब हमने एक ऑप्शन इन चारों में सेलेक्ट करना है, तो बेस्ट कौन सा होगा जो सबको क्लियर कर लेगा, वो ये वाला आएगा। उसकी रीजन पता क्या है, अगर देखें अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को वहां जाकर डिवाइड करूं क्या बन जाएगा फार्मूला, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। एक बात याद रखें, सबसे पहली चीज, किसी भी रेशियो की वैल्यू वन कब आती है, जब दोनों चीजों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मैंने अभी आपको पहले बताया है, अब मुझे बस आंसर देना है आपने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो वन के इक्वल कब आती है, जब मोशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। वन से बड़ी कब आती है, जब मोशन कैसी होगी, कर्व लाइन। इसलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, क्योंकि इसमें दोनों केस आ जाएंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो या तो ग्रेटर देन वन होगी या इक्वल टू वन होगी। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर करें, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से ट्रेवल करके जाता है बी पॉइंट तक और ये डिस्टेंस है आपके पास 12 मीटर और फिर वो बी पॉइंट से जाता है सी पॉइंट तक और ये डिस्टेंस है 5 मीटर। आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरी जर्नी का डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस पूरी जर्नी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैंने आपको अभी बताया, शाबाश वेरी गुड। देखिए डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए आप जितना भी ट्रेवल करेंगे सारा ऐड करेंगे। तो पहले 12 ट्रेवल हुआ फिर 5, टोटल कितना हो गया बेटा 17। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 17 मीटर। लेकिन मैंने आपको क्या रूल बताया है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आप क्या करते हैं, आपको मैंने बताया है कि आप कनेक्ट करेंगे किसको किसके साथ, इनिशियल पोजीशन को कनेक्ट किससे करेंगे, फाइनल पोजीशन से। ठीक है बेटा। अब जरा देखिए इनिशियल पोजीशन क्या थी जर्नी की, ए, और पूरी जर्नी की फाइनल पोजीशन कौन सी है, सी। तो आपने इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, जो इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वही आपकी जर्नी का क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, आप इस पे लगा सकते हैं पाइथागोरस रिलेशन। उसमें क्या होता है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और अगर 12 को स्क्वायर लें बेटा कितना आएगा 144, और ये कितना आएगा 25, कितना बन जाएगा बेटा, बट ये 169 बेटा डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। आप बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट तो ये बन जाएगा बेटा, यहां पे सिर्फ d आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा आपकी होगी 13 मीटर। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट ये वाला, चलें शाबाश। एक क्वेश्चन और करें जरा, ये आपके पास टोटल देखिए एक बॉडी है वो ए पॉइंट से ट्रेवल करके जाती है बी पॉइंट तक
और ये डिस्टेंस है आपका 8 मीटर, और उसके बाद फिर वो क्या करती है, वो बी से जाती है सी पॉइंट तक, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, फिर उसके बाद वो इधर लेफ्ट साइड पे दोबारा वापस आती है, और ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट, और ये डिस्टेंस है 4 मीटर। तो ये इस तरह करके ट्रेवल कर रही है बॉडी, इस तरह से। आपने बताना है इस पूरी जर्नी का डिस्टेंस कितना है और इस पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना। डिस्टेंस तो बड़ा सिंपल है, देखिए डिस्टेंस में आप क्या करेंगे, जितना भी टोटल ऐड हुआ वो सारे, जितना भी टोटल ट्रेवल हुआ सारा ऐड कर लेंगे आप, तो जितना भी टोटल ट्रेवल हुआ वो कितना है, 8, 3 और 4, कितना बन गया बेटा आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, तो बेटा 15 आपका क्या बन जाएगा बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वैल्यू बन जाएगी 15। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जरा कर लेते हैं, जरा देखिए कैसे। अच्छा, डिस्टेंस के टाइम पे आपने ये बॉदर नहीं करना होता कि आप राइट साइड पे जा रहे हैं अपवर्ड या लेफ्ट साइड पे, आप जितना भी ट्रेवल करेंगे वो सारा ऐड कर लेंगे। तो 8 प्लस 3 प्लस 4 सारा ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस आ गया 15। लेकिन मैंने रूल बताया था डिस्प्लेसमेंट का, क्या करते हैं आप, इनिशियल पोजिशन को कनेक्ट किससे करते हैं, फाइनल पोजिशन से। तो बेटा आपने यहां पे क्या करना है कि आपने इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन से। इनिशियल पोजिशन ए थी, फाइनल डी थी, तो आपने इन दोनों को कनेक्ट किया स्ट्रेट लाइन से। जो इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वो बेटा आपकी जर्नी का क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अब कॉमन सेंस से सोचें, अगर आपको इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है तो अगर मैं यहां से नीचे लेंथ लेकर आऊं तो आप सबको इस बात का आइडिया हो रहा है कि जितनी लेंथ इसकी है बी टू सी की, वही लेंथ इस लाइन की भी होगी, क्योंकि दोनों लाइनें इक्वल भी हैं एक दूसरे के और पैरेलल भी हैं। तो जितना आपकी बी टू सी की लेंथ है उतनी आपकी इस लाइन की लेंथ है। तो बेटा इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 मीटर। और अब आपको ये इसकी लेंथ फाइंड करनी है, शाबाश वेरी गुड, क्योंकि टोटल ए टू बी की टोटल लेंथ आपकी 8 है, लेकिन वापस कितना आए आप, 4 सी टू डी। तो बेटा अगर आप टोटल ए टू बी 8 है और सी से डी 4 है, तो यहां से जो डिफरेंस हो जाएगा वो 4 का बाकी होगा, तो ये वाली आपकी बन जाएगी 4। तो बेटा जो आपकी ये बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, तो इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे शाबाश वेरी गुड, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 16 प्लस 9, और यहाँ पे अंडर रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर को खत्म कर दूंगा मैं यहाँ से। बेटा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो बेटा ये आपके पास आ जाए, शाबाश वेरी गुड। अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं सर्कल के केस के, तो लिखें जरा इसमें सर्कल के क्वेश्चंस क्या बनेंगे। जरा यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करें आप, और जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे बेटा तो याद रखें, लेट्स सपोज कि इस सर्कल का जो रेडियस है उसे मैं ले लेता हूं स्मॉल आर, और मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, अगर आप वन कंप्लीट सर्कल ले लेते हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये ए पॉइंट है और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और वो पूरा सर्कल ट्रेवल करने के बाद दोबारा फिर से कहां पे आ जाती है, ए पॉइंट पे, मतलब वन सर्कल आपका हो जाता है कंप्लीट, तो मुझे बताएं डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी इस कंप्लीट सर्कल के केस में। शाबाश वेरी गुड, क्योंकि बेटा देखें डिस्प्लेसमेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, चेंज इन पोजिशन, मतलब जो डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको उसमें बेटा क्या है, देखें अगर एक सर्कल कंप्लीट हुआ इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए से स्टार्ट हुए थे तो वापस दोबारा घूम के कहां पे आ चुके होंगे, ए पे, और अगर आप दोबारा वहीं पे आ गए हैं जहां से आपने स्टार्ट लिया था, तो जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी क्या हो चुकी है, फाइनल पोजीशन। और अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो पोजीशन का चेंज क्या आया, 0, और पोजीशन के चेंज को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने याद रखना बेटा कि अगर आप कहीं पर भी हैं और घूम कर दोबारा वहीं पर आ जाते हैं, तो जैसे ही आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपके पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट बेटा हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आप घर से निकले हैं पूरा दिन बाहर रहते हैं, लेकिन एंड पे जैसे ही दोबारा घर एंटर होंगे, तो घर एंटर होते साथ अगर मैं पूछूं आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस के लिए आपको जितना भी ट्रेवल किया वो सारा आपको देखना पड़ेगा। और आपको पता है जब आप ए से स्टार्ट होकर वापस ए पे आएंगे तो आप ये पूरे का पूरा पाथ कवर कर चुके हैं, और सर्कल के पूरे इस पाथ को कहते हैं सर्कमफेरेंस। किसी भी सर्कल की इस पूरी रिंग को, इस पूरी गोलाई को, या इस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
टू पाई आर, तो बेटा डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी टू पाई आर, क्योंकि आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इक्वल टू सर्कमफेरेंस है और वो टू पाई आर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको किसके लिए बताया बेटा, वन सर्कल के लिए। ठीक है बेटा, लेकिन अगर लेट्स सपोज वो सेमी सर्कल की बात करता है, किसकी बात करता है वो, सेमी सर्कल की। बेटा मुझे बताएं, सेमी सर्कल के केस में सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब क्या है? शाबाश, तो सेमी सर्कल का मतलब ये है हाफ सर्कल। अगर लेट्स सपोज ये एक हाफ सर्कल मैंने यहां पे बनाया और दिस इज सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो कितना है, आर है, और इस पॉइंट को आप ले लें ए पॉइंट, और ए पॉइंट से आप ट्रेवल करते हुए आप जा रहे हैं इस बी पॉइंट पे, तो आप ए से बी गए, और आपने बेटा अब इस दफा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेमी सर्कल में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है और डिस्प्लेसमेंट की, बेटा आप मुझे बताएं जरा बात सुने गौर से, कि अगर आपको मैंने पहले बताया कि अगर कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस टू पाई आर है, तो कॉमन सेंस से बेटा हाफ सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो पूरे सर्कल से हाफ होगा, और अगर पूरे सर्कल का डिस्टेंस टू पाई आर है तो उसको टू पे डिवाइड करें, टू पाई आर ओवर टू क्या बन जाएगा, पाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा पाई आर। अब आ जाए डिस्प्लेसमेंट पे, मैंने रूल क्या बताया था आपको, आप इनिशियल पॉइंट आपका ए है और फाइनल पॉइंट आपका बी है, आपने इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से, जो उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वही आपकी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जरा खुद देखें, ये लाइन इक्वल टू किसके बन रही है, डायामीटर के, और आप जरा खुद बताएं कि अगर ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू आर है तो आगे भी इतना ही और डिस्टेंस है आर, तो आर प्लस आर कितना बन जाएगा, टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेमी सर्कल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो होता है टू आर। तो आपको सर्कल और सेमी सर्कल दोनों के बारे में ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना, आप इस तरह याद भी कर सकते हैं लेकिन इसके फार्मूले भी होते हैं सर्कल के, तो एक दो फार्मूले मैं आपको करवा देता हूं और फिर उससे भी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से होंगे। जरा देखिए, जरा बात सुने गौर से, अब आपको जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा ना इस तरह का, तो सर्कल के क्वेश्चन के अंदर दो तरह के क्वेश्चन वो कर सकता है, या तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस या फिर क्या पूछेगा आपसे, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने करना यह है बेटा कि जब वो आपसे पूछेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लें एस इज इक्वल टू आर थीटा, और इसमें ये एस जो है ये लिख लें डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख लें फार्मूला, और ये सिर्फ सर्कल के लिए लिखवा रहा हूं मैं आपको, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख लें डी इज इक्वल टू टू आर इंटू साइन थीटा बाई टू। अच्छा, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अभी दिमाग में रख लेंगे ना तो आपको सर्कुलर मोशन में बड़ी हेल्प मिलेगी, सर्कुलर मोशन भी अपनी आगे जाके पढ़ना है तो उसमें जरा आपको ये लगेगा इजी। देखिए, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला, ये आप सिर्फ तब एप्लीकेबल करेंगे या तब हो सकता है जब आप थीटा किस में करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, क्योंकि थीटा के दो तरह के यूनिट है, वैसे तो तीन होते हैं, डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है, रेवोल्यूशन भी होता है, लेकिन याद रखें ये वाला फार्मूला आपको आंसर करेक्ट तब देगा जब थीटा आप किस यूनिट में लिखेंगे, रेडियन में, और जो ये वाला है इसके अंदर आप डिग्री में लिखेंगे, डिग्री के अंदर। अच्छा, अब जरा देखें और एक और बात सुने, अक्सर हमें एंगल किस में गिवन होगा, डिग्रीज में, और डिग्री वाले एंगल को कन्वर्ट अगर किस में करना है हमने, रेडियन में, तो उसका तरीका सुन ले जरा। देखें, आपने करना क्या, मान लो अगर क्वेश्चन आ गया कि 30 डिग्री एंगल है, इसको कन्वर्ट करें रेडियन में, तो डिग्री वाले एंगल को कन्वर्ट करने के रेडियन में आप क्या करते हैं, आप डिग्री वाले एंगल को कर देते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ, पाई ओवर 180 से। आप जब भी डिग्री वाले एंगल को पाई ओवर 180 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में आ जाएगा, वो कन्वर्ट होके रेडियन में। बेटा कितना आंसर आ रहा है बेटा, 30 को 180 पे कैंसिल करें आप, 6 आएगा, कितना बन जाएगा बेटा आपके पास आंसर, पाई बाई 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूं रेडियन में तो वो इक्वल हो जाता है पाई बाय 6 रेडियन के। एक और मुझे चीज बताएं, अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, आप डिग्री की वैल्यू को कर देते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ, पाई ओवर 180 से। बेटा 90 को 180 से करें डिवाइड, कितना बन रहा है यहां पे नीचे, 2, तो क्या बन जाएगा बेटा, पाई बाय 2। तो बेटा ये याद रखें, 90 डिग्री आपके पास रेडियन में कितना बनता है, पाई बाई 2 के बराबर बनता है।
तो ये चीजें आपको याद रखनी, सर्कुलर मोशन में ये चीजें दोबारा से आएंगी और ये इंपॉर्टेंट है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दोबारा फिर से मुझे सुना दे बेटा, बेटा मुझे बता दें डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप है? आप उसे पाई बाय 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और वो एंगल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। इस फार्मूले में आप थीटा जब पुट करेंगे वो किसमें पुट करेंगे, रेडियन में, और इसमें आप किसमें पुट करेंगे, डिग्रीज में। अच्छा अब जो हमने दो क्वेश्चन ऊपर किए हैं उन्हीं दोनों को इससे जरा करके देखते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं बात करूं कंप्लीट सर्कल की, जब मैंने कंप्लीट सर्कल की करवाया था, देखें वन सर्कल, बेटा मुझे बताएं वन सर्कल के अंदर डिग्री में कितना एंगल होता है, शाबाश 360, और रेडियन में कितना बनेगा वो आपको 2π होता है, तो रेडियन में वो बनता है 2π रेडियन। अच्छा अब हम क्वेश्चन करते हैं, बेटा मुझे बताएं अगर वन कंप्लीट सर्कल हो जाए तो वन कंप्लीट सर्कल का अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस भी, और क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है बेटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो बेटा रेडियन में कितनी वैल्यू आती है वन सर्कल के अंदर एंगल की, 2π। तो बेटा अब आप यहां पे देखें क्या करें, आर की जगह पुट कर दें आर, तो ये आ जाएगा आर और यहां पे आ जाएगा 2π। तो बेटा क्या बन जाएगा इसको सही से लिख लें, तो ये बन जाएगा 2πr। तो बेटा ये 2πr आपकी वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की। तो आपने बेटा बस क्या किया, उसकी वैल्यू पुट की है रेडियन में, वन सर्कल के अंदर जो रेडियन में एंगल बनता है। अच्छा अगर आपको फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है, 2r साइन थीटा बाय 2। अच्छा मुझे बताएं डिग्री में कितना एंगल बन रहा है, ये 360, और यहां जब पुट करेंगे आप 360 को 2 पे डिवाइड करें 180, और याद रखें साइन 180 जीरो होता है, तो साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो, और ये आपके पास बेटा बन जाएगा यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन, और 360 को 2 पे डिवाइड किया तो 180 आया, और साइन 180 की जो वैल्यू हो बेटा आपके पास जीरो होती है, और अगर साइन 180 की वैल्यू जीरो है तो ये अगर ये चीज जीरो बन गई तो जीरो इंटू समथिंग क्या बन जाएगी, जीरो, तो बेटा बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो। और याद रखें यही चीजें हमने ऊपर भी की थी, एक कंप्लीट सर्कल में कितना डिस्टेंस निकाला था 2πr और कितना डिस्प्लेसमेंट था जीरो। अब सेमी सर्कल के लिए भी जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो बेटा सेमी सर्कल के लिए देखें जरा कैसे सॉल्व होगा ये। सेमी सर्कल के लिए आपको पता ही है कि उसमें आपने फाइंड करना था जो मैंने क्वेश्चन करवाया, डिस्टेंस भी बताया और आपसे क्या पूछा मैंने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहां पे आर पुट करें, बेटा मुझे बताएं सेमी सर्कल में कितना डिग्री एंगल होगा, 180, और 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाए, शाबाश। तो अब मुझे बताएं इस फॉर्मूले में जो थीटा पुट होगा वो 180 पुट होगा या पाए पुट होगा, पाए, क्योंकि किसमें पुट होना है, ये रेडियन में। बेटा यहां पुट कर थीटा की जगह पुट कर दें पाए, तो बेटा क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, पाए आर, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी पाई आर, और यही हमने ऊपर भी फाइंड की थी जब हमने वैसे किया था कॉन्सेप्चुअली, मैथमेटिकली नहीं किया था तब। और अगर आपने क्या फाइंड करना बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2r साइन थीटा बाय 2, और थीटा कितना होता है सेमी सर्कल में डिग्री में, 180, और 180 को यहां पुट करें 180 बाय 2 कितना होगा, 90, और साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू बेटा होती है 1। तो अब चूंकि 180 ओवर 290 है, साइन 90 1 है, तो यहां इस पूरे फंक्शन पे आ जाएगा 1, और बाकी सिर्फ बच क्या जाएगा 2r, बेटा कितना बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका 2r। तो बेटा ये देखें एग्जैक्ट वही आंसर आ रहे हैं जो आपने पहले कॉन्सेप्चुअली किए तब आपके आए थे। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए कि सर्कल का क्वेश्चन जब भी आए तो डिस्टेंस की वैल्यू s इज इक्वल टू r थीटा से निकालें, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप निकालेंगे 2r इनटू साइन थीटा बाय 2 से, और एहतियात ये करनी है कि ये किस में कन्वर्ट करना है आपने, रेडियन में। अच्छा ये आपका हो गया बेटा टॉपिक कौन सा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए बेटा स्पीड, स्पीड का जो सिंबल है मैं सिंपल v लिखूंगा, वेलोसिटी की दफा मैं ऊपर एरो बना लूंगा, ताकि आपको ये माइंड में रहे कि ये जो मैं किसकी बात कर रहा हूं, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और बेटा वेलोसिटी की वैल्यू बेटा क्या होगी, कॉमन सेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो बेटा वेलोसिटी का लिंक डिस्प्लेसमेंट के साथ है और स्पीड का लिंक बेटा किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ है। अच्छा याद रखें, हमारे कोर्स में स्पीड की भी दो टाइप्स हैं और वेलोसिटी की भी टू टाइप्स हैं, तो उन दोनों को बारी बारी देखते हैं। उससे पहले एक चीज बता दें कि स्पीड के यूनिट क्या होंगे, इसके भी यूनिट क्या होंगे, लेकिन ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर और ये कौन सी क्वांटिटी है स्केलर। ठीक होगी बात। अब दो टाइप्स हैं, उन दोनों टाइप्स को बारी बारी उनके फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। अच्छा इधर देखिए बेटा गौर से, एक पहली चीज बेटा आपके पास क्या है, एवरेज स्पीड। अब मैं पहले स्पीड की बात कर रहा हूं, पहले लिखें जरा एवरेज स्पीड। ये स्पीड की टाइप्स लिखवा रहा हूं, टाइप्स ऑफ स्पीड। पहली का नाम लिख रहे हैं एवरेज स्पीड और सेकंड का नाम लिख लें इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड के लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इसका होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और फॉर्मूला इसका होता है बेटा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा एस का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस, और डेल्टा टी का मतलब क्या है, टोटल टाइम जो कि उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा है। बेटा याद रखें, जब भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करते हैं, जितना भी आपकी जर्नी का टोटल डिस्टेंस है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल टाइम टेकन लगा उस जर्नी पर वो नीचे लिखेंगे, वो आपके पास जर्नी की क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस सिर्फ आपने फॉर्मूला याद रखना है, आगे इसके क्वेश्चंस वगैरह कोई नहीं आएंगे आपको, क्वेश्चन हमेशा किसके आएंगे आपको, एवरेज स्पीड के। लेकिन मैं बता देता हूं कि इसमें फार्मूला कैसे, इसका फार्मूला बेटा ये है कि आपने डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी ये तो वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ फर्क ये है कि यहां पे आप लेंगे लिमिट, लिखेंगे एल आई एम आई टी, लिमिट कहते हैं इसे। और लिमिट किसको करेंगे आप, टाइम को, और टाइम को लिमिट करके किसके करीब लेके जाएंगे आप, जीरो के। इसे कहते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। सिर्फ फर्क क्या है, बस आपने बस मेरी बात सुने गौर से, आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना, इसके अलावा इसके सवाल नहीं बन सकता आपको। जस्ट क्या करना है, उसी एवरेज वाली बिलो एवरेज स्पीड का फार्मूला नीचे लिखा आपने, उसी एवरेज स्पीड का फार्मूला लिख के सामने बस आपने क्या लिख दिया उसके, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एरो बना के आगे जीरो लिख देना है। तो ये आपका फार्मूला है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखें बेटा, मुझे बात बताएं, मान लो आप अपने घर से यहां तक आए 30 मिनट्स में, आपने 30 मिनट्स कार ड्राइव की और 30 मिनट्स में आप अपने घर से यहां तक आए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ड्यूरिंग द 30 मिनट्स आपकी स्पीड सेम तो नहीं रही होगी ना, कभी स्पीड ज्यादा हो रही होगी, कभी कम हो रही होगी, कभी आप रेस्ट पे होंगे, तो हर लम्हे आपकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे स्पीड डिफरेंट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी जर्नी की बताएं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, अपने घर से लेकर स्कूल तक का पूरा डिस्टेंस लिखेंगे या अकेडमी तक का, और नीचे आप क्या लिखेंगे, आप टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे, वो आपको क्या मिल जाएगी बेटा, आपकी एवरेज स्पीड। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि जब 29 मिनट्स और 8 सेकंड था, उस वक्त आपकी स्पीड क्या थी, मेरे बात सुने गौर से। देखें अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपने अपने घर से यहां तक, लेट्स सपोज कितने टाइम में आप आए, 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में डिफरेंट टाइम पे आपकी स्पीड डिफरेंट थी, कभी आप फास्ट थे, कभी स्लो थे, कभी रेस्ट पे थे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मुझे आप सिर्फ ये बता दें, आप 30 मिनट्स कंप्लीट का ना बताएं, आप बस ये बता दें कि जब 29 मिनट्स और 29 मिनट्स के बाद जो 30th मिनट था उसका आठवां सेकंड था, उस आठवें सेकंड में आपकी क्या स्पीड थी। तो अब जो मैं स्पीड पूछ रहा हूं, क्या वो पूरे 30 मिनट्स की है या सिर्फ उसी मोमेंट की है, उसी मोमेंट की है, और जो उसी पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड होगी उसे हम उसकी क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट कहते हैं उसी मोमेंट को, उसी इंस्टेंट को। तो जब आप एक पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर बहुत स्मॉल टाइम की स्पीड की बात करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बेटा। अच्छा अब डिटेल से हमने किसको स्टडी करना है, एवरेज स्पीड को। अच्छा पहले आप उसके भी फॉर्मूले लिख लें बेटा, एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी की भी दो टाइप्स हैं, कॉमन सेंस बेटा बताएं कैसे, तो कौन सी दो टाइप्स होंगी, एक वेलोसिटी की टाइप कौन सी होगी, एवरेज वेलोसिटी, शाबाश, दूसरी कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी में क्या आप, अच्छा आपने ना जैसे आपने स्पीड की चीजें मैंने आपको बताई हैं वैसे ही आपने इसकी बतानी है। तो एवरेज के टाइम पे बेटा वहां पे वर्ड क्या आया था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो वेलोसिटी की दफा वर्ड कौन सा आएगा,
टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। शाबाश, वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करेंगे? अच्छा, इसके पहले लिख लेते हैं फार्मूला कौन सा। तो बेटा फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला इसका बेटा ये है कि आप यहां पे लिखेंगे डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अच्छा मुझे बताएं अब करना क्या, सिर्फ आपने एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करनी है। यहां पे बेटा आप क्या लिखेंगे, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। बताएं स्टार्ट में क्या लिखेंगे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है तो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। सिर्फ सेम चीजें सारी वही हैं, जस्ट आपने इस दफा डिस्प्लेसमेंट को बीच में ले लिया, लास्ट टाइम था डिस्टेंस, बाकी हर चीज एग्जैक्टली वही है। ठीक है बेटा, ले भी अब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। पहले लिखें बड़ा एवरी स्पीड का क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अगर लेट्स सपोज एक बॉडी है वो ए पॉइंट पे है, और ए पॉइंट से वो ट्रेवल करके जाती है बी पॉइंट तक, और उसकी जो स्पीड है वो है 60 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो वापस बी से ए आती है। बी से ए वापस आने पर उसकी जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। दोबारा सुन लें, एक बॉडी है बेटा वो ए से पहले बी जाती है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, उसकी स्पीड, ये स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड जाते हुए उसकी 60 है, और फिर बी से वापस ए पे आ जाती है, और वापसी आते हुए उसकी स्पीड बेटा कितनी है, 40 है। आपसे क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरी स्पीड। आपने बताना बेटा एवरी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं, एवरी स्पीड ऑफ जर्नी, पूरी जर्नी की एवरी स्पीड क्या होगी। तो ऑप्शन पहला आ जाएगा 44 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 48 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 50 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 0 मीटर पर सेकेंड। आप पहले गेस करें क्या इसका ऑप्शन आएगा। कुछ भी नहीं गिवन, बस इतना ही गिवन है, जस्ट यही गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन। देखिए अब मैं पहले एक डेरिवेशन करवा रहा हूं आपको, डेरिवेशन आप चाहे करें ना करें, लेकिन जो एंड वाला फार्मूला होगा ना वो आपने करना है। देखिए नॉर्मली इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बताते हैं 50, दोनों स्पीड को ऐड करके। तो जब दोनों स्पीड को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी एवरेज 50, बट वो फार्मूला यहां एप्लीकेबल नहीं है। देखिए पहले मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं आपको, पहले मुझे बताएं एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने लिखवाया क्या था आपको। शाबाश, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, तो लिख लें जरा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अच्छा मुझे बताएं जरा, अगर लेट्स सपोज कर लें ए से बी तक के जाने का जो डिस्टेंस है उसको ले लें एस वन, और ए से बी जाने का जो टाइम लगा आपको वो मान लो टी वन है, और फिर जब आप बी से वापस ए पे आए उस डिस्टेंस को कह लो एस टू, और वो जो टाइम लगा आपको उसे आप क्या कह लोगे टी टू। तो एस वन जाने का डिस्टेंस, एस टू वापसी का डिस्टेंस, टी वन जाने का टाइम एंड टी टू वापसी का टाइम। अच्छा अब मुझे बताएं पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, ए टू बी का डिस्टेंस एस वन है और बी टू ए का डिस्टेंस एस टू है, बेटा क्या बन जाएगा एस वन प्लस एस टू, और ए से बी जाने का टाइम टी वन और वापसी का टाइम टी टू, क्या बन जाएगा बेटा टी वन प्लस टी टू। तो बेटा इस तरह आपने क्या किया, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखा जर्नी का, टोटल टाइम नीचे लिखा। अच्छा अब यहां पे जो सबसे की पॉइंट है वो ये है बेटा कि यहां पे मुझे बताएं क्या ये दोनों डिस्टेंस डिफरेंट है या सेम है। सेम है, भला क्यों, क्योंकि कॉमन सेंस है बेटा, जितना डिस्टेंस ए से बी का होगा, वापस आप बी से कहां पे आए ए, तो जितना ए से बी जाते हुए डिस्टेंस कवर किया है वापसी भी कॉमन सेंस है बेटा, बी से ए भी डिस्टेंस वही होगा। ये समझ लें वो बात है कि अगर आप लाहौर से जाते हैं इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद से वापस कहां पे आते हैं लाहौर, तो कॉमन सेंस से बेटा जितना जाते हुए डिस्टेंस होगा उतना वापसी पे डिस्टेंस होगा। इसका मतलब यह है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं फिर उसी दूसरे से वापस पहले पे आ जाएं तो फिर इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। तो इस केस में एस वन की वैल्यू और एस टू की वैल्यू सेम होगी, और हम दोनों को किसके बराबर लिख देंगे एस के, बिकॉज जब दोनों चीजें सेम है तो दोनों को एस से लिख सकते हैं। और याद रखें इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो S1 और S2 की वैल्यू के लिख देंगे S, तो यहां भी S आ जाएगा यहां भी S आ जाएगा।
अब s इज इक्वल टू होता है बेटा वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहां से बेटा टाइम निकालें तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, s ओवर v। अब बेटा बताएं अगर मुझे t1 निकालना है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, t1 इज इक्वल टू s ओवर v1, और t2 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, s ओवर v2। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैंने s के साथ 1 2 क्यों नहीं लिखा, t के साथ 1 2 आया, v के साथ 1 2 आया, इधर 1 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का क्या है सेम है, और जो चीज सेम होगी वहां 1 2 नहीं आएंगे। तो चूंकि हमारे वाले क्वेश्चन में जाने का डिस्टेंस और वापसी का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस को सिर्फ आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन स्पीड एंड टाइम डिफरेंट है, तो वो वहां पे 1 और 2 का वर्ड आएगा। तो t1 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो t1 की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, और जो t2 की वैल्यू बेटा वो आपने यहाँ पुट करनी है, तो बन जाएगा आपके पास s ओवर v1 प्लस आ जाएगा s ओवर v2। अब बेटा देखिए आगे क्या करेंगे आप, s प्लस s किसके बराबर है यहाँ पे 2s के, और यहाँ से s कॉमन ले लें इन दोनों में से, एस बाहर कॉमन आएगा, इनसाइड के बच जाएगा 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। ठीक होगी बात। अच्छा अब जरा देखें ये एस एस से क्या हो रहा है, कैंसिल, ये जो एस है ये इस एस से हो जाएगा कैंसिल, बाकी रह क्या जाएगा, ऊपर बच जाएगा सिर्फ 2, नीचे के बेटा क्या आ जाएगा 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2, बेटा ये वाला आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद जरा देखें यहां पे ये आपके पास आ रही है एवरेज स्पीड। अच्छा अब इसका एलसीएम ले लेंगे ना, जब तो एलसीएम बेटा ये आएगा इसका, ये बन जाएगा v1 प्लस v2, नीचे आएगा v1 v2 और ऊपर 2 है, और आपको पता थर्ड वाला कहां चला जाता है बेटा, ऊपर, तो बेटा फाइनल चीज क्या बन जाएगी 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। आप डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे अक्सर डेरिवेशन ही करते रह जाते हैं, आपको एंड वाला फार्मूला याद रखना है। और याद रखें कि जब भी डिस्टेंस की वैल्यू दोनों दफा सेम होगी तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बेटा हमेशा आपने याद रखना है कि वो हम कौन सा यूज करेंगे, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अब आपके पास v1 की वैल्यू भी गिवन है, v2 की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को पुट करके बताएं कितना आंसर आ रहा है बेटा आपके पास, आपके पास आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2, v1 की वैल्यू 60 है, v2 की वैल्यू 40 है, नीचे आ जाएगा 60 प्लस 40, बेटा क्या बन जाएगा आपके पास 2, यहां पे आ जाएगा बेटा 60, यहां पे आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 60 प्लस 40, बेटा कितना आ जाएगा 100, और यहां पे आप क्या कर लेंगे 0 0 से हो जाएगा कैंसिल, 4 × 6 24 × 2, तो सॉल्व करके बेटा आ जाएगा 48 meters per second, ऑप्शन बेटा आ जाएगा आपका 48 meters per second। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला, चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कौन सा आता है कि अगर लेट्स सपोज एक बॉडी है वो पहले जाती है ए टू बी, और ए टू बी वो बेटा बॉडी जाती है किस स्पीड से, 60 meters per second से, और उसकी स्पीड है 60, फिर वो बी से जाती है सी पे और तब उसकी स्पीड बेटा है 40 meters per second। लेकिन इस केस में देखिए होगा क्या कि पहले ए टू बी भी उसको लगे मान लो 30 मिनट्स, और बी टू सी भी उसको लेट्स सपोज लग गया 30 मिनट्स। अच्छा मुझे बताएं अगर पहले 30 मिनट कार की स्पीड ज्यादा है 60 है, और अगला आधा घंटा आपकी स्पीड गाड़ी की कम है, तो कॉमन सेंस से सोचें क्या दोनों दफा डिस्टेंस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों भला, क्योंकि अगर आप पहले आधा घंटा गाड़ी तेज चलाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, पर अगला आधा घंटा गाड़ी थोड़ी स्लो चला लिया आपने तो डिस्टेंस कम होगा। इस केस में बताएं बेटा क्या चीज सेम है, डिस्टेंस सेम है या टाइम की वैल्यू सेम है, टाइम सेम है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे टाइम t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, क्योंकि इस केस में बेटा टाइम की वैल्यू सेम है। और आपको पता है एवरेज स्पीड, अगर मैं आप क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, तो अगर आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो बेटा पहले मुझे बता फार्मूला क्या, जनरलाइज टोटल डिस्टेंस, मतलब स्टार्ट हमेशा यहीं से होगा, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं आप बस एंड वाला फार्मूला कर लें तब भी सफिशियंट है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, डिस्टेंस बेटा कितना आ रहा है, देखें ए से बी तक का डिस्टेंस लेट सपोज कर लें अगर s1 है, और बी से सी तक का डिस्टेंस है s2, और ए से बी जाने का टाइम आपको बेटा लग गया t1, और बी से सी जाने का टाइम बेटा कितना लग गया आपको t2। बेटा मुझे बताएं कि टोटल डिस्टेंस बेटा क्या होगा पूरी जर्नी का, a टू b का s1, b टू c का s2, क्या बन जाएगा s1 प्लस s2,
और ए टू बी का टाइम टी वन और बी टू सी ट्रेवल करने का टाइम टी टू, तो ये बन जाएगा टी वन प्लस टी टू। अच्छा जरा मुझे एक बात बताएं, मैं यहां पे नीचे टी प्लस टी क्यों लिख रहा हूं? यहां पे टी प्लस टी लिखने का मकसद ये है क्योंकि दोनों टाइम सेम है बेटा, इसलिए टी वन भी टी के बराबर है, टी टू भी टी के बराबर है। अच्छा मुझे बताएं, देखें जरा और से, एस इज इक्वल टू वी टी है तो एस वन इज इक्वल टू आ जाएगा वी वन टी वन, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा एस टू इज इक्वल टू वी टू टी टू। लेकिन मैं यहां पे बेटा देखें क्या कर रहा हूं कि टी वन और टी टू की जगह सिर्फ टी लिख रहा हूं। बताएं बेटा, मैंने यहां पे एस और वी के साथ तो वन टू लिखा, लेकिन टी के साथ वन टू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस केस में बेटा दोनों का टाइम क्या है बेटा, सेम। तो एस वन की वैल्यू बेटा क्या आ गई, वी वन टी, और एस टू की वैल्यू बेटा क्या आ गई, वी टू टी। तो बेटा आप यहां पुट कर दें तो एस वन की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी वी वन टी, और एस टू की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास वी टू टी। बेटा बताएं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, वी वन टी प्लस वी टू टी में से टी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा बेटा आपके पास वी वन प्लस वी टू, और नीचे बेटा टी प्लस टी बेटा कितना आ जाएगा टू टी। अब बेटा मुझे बताएं कि टी से टी यहां पे क्या हो रहा है, कैंसिल। बेटा फाइनल फार्मूला क्या बच जाएगा बाकी आपके पास एवरेज स्पीड का इस केस के अंदर, शाबाश, वी वन प्लस वी टू बाय टू। बेटा मुझे बताएं एवरेज स्पीड का ये वाला फार्मूला आप सिर्फ तब यूज करेंगे बेटा जब डिस्टेंस सेम होगा या टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा। तो बेटा ये आप लिख लेंगे, जब भी दोनों दफा टाइम की वैल्यू सेम होगी तो आप लिखेंगे v1 plus v2 by 2। अब बेटा बताएं आंसर क्या आएगा, देखें आपके सामने डाटा गिवन है एवरेज स्पीड v1 plus v2 by 2, v1 की वैल्यू बेटा आपकी 60 है, v2 की वैल्यू आपकी 40 है, दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करना है, तो 100 by 2 बेटा कितना आ जाएगा आंसर आपके पास 50। तो इस केस में बेटा आंसर आएगा 50। तो बेटा ये दो केसेस हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, अभी मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं आपको। बेटा मुझे जरा रिवाइज करवा दें ये आर्टिकल बेटा, जस्ट फॉरन फॉरन आप रिवाइज करवा देंगे बेटा। अगर मुझे बताएं अगर डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टू वी वन वी टू ओवर वी वन प्लस वी टू, और अगर टाइम की वैल्यू बेटा सेम होगी तो फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, वी वन प्लस वी टू बाय टू, और जनरलाइज फॉर्मूला बेटा एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये दोनों फॉर्मूले उसी से निकल के आए हैं, लेकिन जब आपको सवाल इस तरह का आ जाए तो आप डायरेक्टली ये वाला यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लें, देखें अगर एक बॉडी है वो ए पॉइंट पे है और वो सारा ट्रेवल करके वापस ए पे ही आ जाती है, और उसका जो पूरा जर्नी है उस पूरे जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर पूरे जर्नी का, और पूरी जर्नी का जो टाइम है बेटा टोटल वो है आपके पास लेट्स सपोज वो भी है 20 सेकेंड। क्वेश्चन ये आ गया, इस पूरी जर्नी की जाने और इस तरह वापस आने की आपने बतानी है एवरेज वेलोसिटी कितनी है, और फिर आपने बतानी है एवरेज स्पीड कितनी है। देखिए एवरेज वेलोसिटी की दफा आपको फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अगर आप ए पे थे और दोबारा घूम के वापस ए पे ही आ गए, जब भी आप कहीं पर भी होते हैं वापस घूम फिर के अगर वहीं पे आ जाएं तो जो आपकी इनिशियल पोजीशन वही आपकी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है तो एक और चीज भी जीरो हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी भी बेटा आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो याद रखें जब भी आप कहीं पर हैं अगर वापस वहीं पर आ जाएंगे तो दो चीजें कन्फर्म जीरो होंगी, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। और अगर आप कहीं पर हैं और घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाएं तो कौन सी दो चीजें जीरो नहीं होंगी, एक तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, और एक और चीज क्या जीरो नहीं होगी, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक दफा ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं तो वापस वहीं पर आ भी जाएं तो डिस्टेंस तब भी जीरो नहीं हो सकता, और क्या फिर जीरो नहीं होगी, एवरेज स्पीड। तो अब आपने एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो एवरेज स्पीड के लिए बेटा फार्मूला कौन सा यूज करना है आपने, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है 20, और पूरी जर्नी टोटल टाइम कितना है 20, बेटा कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, ये कैसे बेटा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये 1 मीटर पर सेकेंड पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी बेटा जर्नी कितनी है, जीरो है। तो बस एक दफा रिवाइज करवा दें, जब भी आप कहीं पर हैं और वापस घूम के वहीं पे आ जाएं तो कौन सी दो चीजें बेटा जो लाजमी जीरो हो जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी, और कौन सी दो जिनकी वैल्यू कोई ना कोई होगी, डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। और स्पीड कैसे निकलेगी आपकी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम।